हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, यहां से हमने बाकी रखा था। देखते हैं, सुगर केन उसमें से पहले, जिसको हिंदी में बोलते हैं गन्ना, गुजराती में हम लोग बोलते हैं शेरड़ी। दिस इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल एनुअल प्लांटेशन क्रॉप। इट रिक्वायर्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर ग्रोथ विथ टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 डिग्री एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर to 100 सेंटीमीटर। तो ये जो सुगर कैन क्रॉप है, सुगर कैन जो है उसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, मतलब गर्मी चाहिए। तो हमारे इलाके में हॉट ही रहता है वैसे भी हमारा इलाका, और पानी 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए। तो हमारे यहाँ इतनी बारिश तो आ ही जाती है, और नहीं आए तो भी हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी है। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजियंस ऑफ लो रेनफॉल। इट कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल्स एज लॉन्ग एज दे आर फर्टाइल एंड वेल ड्रेन। और किसी भी प्रकार की सॉइल पे ये सेट हो जाता है। हमारे यहाँ ब्लैक सॉइल है उस पर भी हो जाता है, अल्यूवियल पे भी हो जाता है, सब सॉइल पे ज्यादातर हो जाता है ये। मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर सुगर कैन। इसमें लेबर बहुत चाहिए, मजूर बहुत चाहिए, क्योंकि मैनुअल काम बहुत है, मशीनरी से बहुत सारे काम ऐसे जो मशीनरी नहीं कर पाएगी, लेबर ही चाहिए उसमें। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील। सुगर कैन के प्रोडक्शन में हम लोग सेकेंड नंबर पे हैं, सेकेंड नंबर पे ब्राजील के बाद, यानी फर्स्ट पे ब्राजील है। सुगर कैन इज द रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सुगर। और ये जो गन्ना है उसमें से क्या बनता है, सुगर बनता है, खांड बनती है, गुड़, जेगरी जिसको बोलते हैं, खांड सड़ी एंड मोलासिस बनता है। द मेजर सुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। तो सबसे ज्यादा सुगर कैन लगाने वाले जो स्टेट है, याद रखना इसको, जरूरत पड़ेगी इसकी, उत्तर प्रदेश याद रखे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुगर कैन होती है, फिर महाराष्ट्र सेकेंड, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। हमारे गुजरात में भी होती है, लेकिन इस यहाँ पर उसका नाम ही नहीं है, लेकिन ये सब स्टेट में हमसे बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनके नाम है। ऑयल सीड्स, चलिए इसमें पहले बता देता हूँ कि काम का क्या है। तो इसमें काम का ये है, एक तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एंड सुगर केन में से क्या बनता है, तो बहुत बच्चों जैसा क्वेश्चन है, आएगा नहीं ऐसा। और दूसरा, कौन से स्टेट में सुगर केन ज्यादा होती है, ये दो चीजें इसमें बराबर याद रखें, बाकी ज्यादा काम का नहीं है। ऑयल सीड्स, इन 2008 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। 2008 की बात है, इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे थे हम लोग ऑयल सीड्स में, ग्राउंड नट में। इन द प्रोडक्शन ऑफ रेप सीड इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कैनेडा एंड चाइना इन 2008। मैनी वेराइटीज ऑफ ऑयल सीड्स आर ग्रोन ऑन लेबर ऑन अबाउट 12% क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। ऑयल सीड्स यानी जिसमें से ऑयल निकलता है, और तेल जिसको बोलते हैं, जिससे हम सब साग बनाएंगे, दूसरी चीजें बनाएंगे, आपकी वेफर, कुरकुरे, वो सब बनाने के लिए चाहिए ऑयल, तो खाने का ऑयल मतलब, वो सब सीड को ऑयल सीड्स कहते हैं। तो आपको पता ही, वो जो दाने आते हैं जो हम ऐसे भी खाते हैं और फ्राई करके भी खाते हैं, फिर मकई में से भी निकलता है, मकई का तेल मिलता है, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें से तेल ऑयल निकलता है, उसकी बात है यहाँ पर। मैनी वेराइटीज ऑफ ऑयल सीड्स आर ग्रोन ऑन अबाउट 12% क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस आर ग्राउंड नट। अच्छा, कौन कौन से ऑयल सीड्स है यहाँ पर, नाम है देखिए, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसमम, तिल जिसको बोलते हैं तिल का तेल, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड एंड सनफ्लावर। इतने सारे प्रकार के सीड है जिसमें से ऑयल निकलता है, इसलिए तेल की, ऑयल की भी आपको वैरायटी की एड दिखती है टीवी पे। मोस्ट ऑफ दिस आर एडिबल एंड देयर एक्सट्रैक्टेड ऑयल इज यूज्ड एज अ कुकिंग मीडियम। सम ऑफ दिस आर ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। ग्राउंडनट इज द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस, अबाउट 50% ऑफ द टोटल ऑयल सीड प्रोड्यूस। तो ये जितने भी सीड्स है उसमें से ग्राउंडनट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है,
50% एरिया तो वही कैप्चर करता है. एंड इज अ खरीफ क्रॉप. गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश. गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश. गुजरात सबसे ज्यादा ग्राउंड नट का प्रोडक्शन करता है, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तो है ही. वाइल लिंसिड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स सिस्मम इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड रबी क्रॉप इज नाउ कैस्टर बर्थ और रबी एंड खरीफ. चलिए इसमें ये जो आगे है सबसे लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट है हम लोग, वो काम का है. फिर इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर कैनेडा एंड चाइना, वो याद रखे. फिर ऑयल सीड्स कौन कौन से है ये सब याद रखे. और गुजरात ग्राउंड नट में टॉप पे है वो याद रखें, बाकी ज्यादा काम का नहीं है. टी जो हम पीते हैं, टी इज अ प्लांटेशन क्रॉप. दिस बिवरेज क्रॉप वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिश. तो पहले हम लोग चाय नहीं पीते थे, ये ब्रिटिशर ने हम लोगों को आदत डाली चाय की, वो लेके आए. बाकी हम तो पहले दूध ही पीते थे. नाउ मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ऑन बाय इंडियंस. जितने भी टी प्लांटेशन है वो अभी इंडियन लोगों के हाथ में है. दिस बुश प्लांट्स रिक्वायर्स अ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट अलॉन्ग विथ डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर. टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर. चलो इसमें तो कुछ काम का नहीं. फ्रिक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर आर नेसेसरी कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स. ये याद रखे इसमें पहले कि इंट्रोड्यूस बाई ब्रिटिशर, ओके, बाकी ये काम का नहीं है ज्यादा. टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री विच रिक्वायर्स अब्यूडेंट चीप एंड स्किल लेबर. इसमें लेबर बहुत चाहिए क्योंकि वो ढलान पे होता है. क्यों इस ऐसी जगह पे उसको उगाया जाता है? पहाड़ी इलाके में ही उगता है क्योंकि टी के जो प्लांट है उसके रूट में पानी जमा नहीं रहना चाहिए, वहां से खाली पास हो जाना चाहिए. तो पहाड़ी इलाके में रहेगा तो पानी खाली पास हो जाएगा. दूसरा, ऐसी जगह पे ये होता है इसलिए मशीनरी भी काम नहीं लगती ज्यादातर, सो लेबर से ही काम लेना पड़ता है. सो बहुत ही लेबर चाहिए इसमें. द प्लग लीव्स आर प्रोसेस विदिन द टी गार्डन टू मेंटेन देयर फ्रेशनेस. मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर आसाम. ओके, टी के प्लांट पर से जो पत्ते होते हैं उसको तोड़े जाते हैं, फिर उसमें नए आते रहते हैं और फिर वो फैक्ट्रियों में बेचते हैं, उसको ड्राई करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और फिर हम तक पहुँचते पहुँचते काली चाय बन जाती है. और सबसे ज़्यादा टी जो होती है हमारे यहाँ प्रोडक्शन वो होती है आसाम में, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग में और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में इन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा. सबसे ज़्यादा तो आसाम में होती है. ओके, इन 2008 इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी आफ्टर चाइना एंड तुर्की. 2008 में हम लोग थर्ड नंबर पे थे और चाइना फर्स्ट पे था, वो भी बहुत चाय पीते होंगे, एंड तुर्की सेकेंड पे था या फिर बना के बेचते होंगे. कॉफी, इन 2008 इंडिया प्रोड्यूस 3.2% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफी प्रोडक्शन. आपको लगेगा कि यहाँ 2008 की ही क्यों इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उसके बाद मे बी चेकिंग ना हुआ होगा, कैलकुलेशन ना हुआ होगा, या हुआ होगा तो हमारे सिलेबस में अपडेट नहीं है. कर्नाटका इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दिस प्लांटेशन क्रॉप. याद रखे इसको, 1 मार्क्स में आता है. कर्नाटका इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दिस प्लांटेशन क्रॉप कॉफी का, ऑफ विच द बीन्स आर क्रश्ड टू गिव द बेवरेज ऑफ इट्स डिस्टिंक्टिव फ्लेवर. इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी. या इसको भी याद रखे, इंडियन कॉफी क्यों नॉन है, तो उसकी अच्छी क्वालिटी के लिए. द अरेबिक वेराइटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम येमेन इज प्रोड्यूस इन इंडिया. इट हैज ग्रेट डिमांड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन द बाबा बुदेन हिल्स. याद रखे, स्टार्टिंग में अरेबिक वेराइटी आई थी, फ्रॉम येमेन से आई थी इंडिया में.
और कल्टीवेशन उसका हुआ था बाबा बुदेन हिल्स के ऊपर, एंड इवन टुडे इट इज कन्फाइंड ओनली टू नीलगिरी हिल्स एंड कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. तो ज्यादा जगहों पे ये होती नहीं है, ये कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु में होती है, और उसमें भी कर्नाटका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है. याद रखे कर्नाटका, कर्नाटका कॉफी, ऐसा याद रख लीजिए. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, दिस इंक्लूड द कल्टिवेशन ऑफ बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो लगाते हैं. इंडिया वॉज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम लोग सब्जी बहुत खाते हैं. आफ्टर चाइना इन 2008 प्रोड्यूसिंग अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स, हम सेकेंड पे थे, फर्स्ट चाइना. इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया आर पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटेटो. और इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा होने वाले हैं, वेजिटेबल्स ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं. उसके अलावा वो टूवेयर फूवेयर तो है ही, छोटे मोटे. सिंस वेजिटेबल्स यूजली रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर ग्रोथ, बहुत कम समय में हो जाता है. बहुत सारे वेजिटेबल्स तो ऐसे है 3 महीने में ही हो जाते हैं. दे कैन बी ग्रोन इन द जायद सीजन इन अल्टरनेशन विथ सीरियल्स ग्रोन इन रबी और खरीफ सीजन. मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स लाइक बनानास, ऑरेंज, ऑरेंजेस, एप्पल एक्सेट्रा आर प्लांटेशन क्रॉप्स. अभी फ्रूट की बात, इंडिया प्रोड्यूसेस बोथ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स. चलिए इसमें ज्यादा कुछ काम का नहीं है, ये याद रखे. इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर. ओके, और देखिए वेजिटेबल्स में कैसा है कि बहुत सारे लोग स्पेशल वेजिटेबल्स लगाते हैं, और बहुत सारे लोग कुछ और लगाया होता है उसमें साइड साइड में वेजिटेबल्स लगा देते हैं खेत में, या बीच बीच में लगा देते हैं. तो जो मेन क्रॉप है उसमें भी पैसे मिलते हैं, और वेजिटेबल्स में कैश मनी मिलते हैं, हर रोज का हर रोज जाता है वो मार्केट में. सो कैश के लिक्विडिटी बनी रहे, इसके लिए भी कुछ लोग वेजिटेबल्स कुछ हिस्से में लगाते हैं. ओके, इसमें ज्यादा कुछ काम का नहीं है. अभी कौन सा फ्रूट कहाँ होता है ज्यादातर? मैंगो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल. ऑरेंज, नागपुर एंड चेरापुंजी. देखिए मैंगो तो हमारे गुजरात में भी होता है, लेकिन नाम नहीं है, इसलिए यहाँ जितने नाम दिए है उतनी ही जगह पे होता है, ऐसा मत मान लेना. ऑरेंज, नागपुर एंड चेरापुंजी. ये नागपुर के ऑरेंज बहुत ही फेमस है, नागपुर को ऑरेंज सिटी बोला जाता है, इवन इतने वहाँ ऑरेंज होते हैं. बनाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला एंड मिजोरम. पाइनएप्पल, मेघालय. ग्रेप, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. ये पाइनएप्पल में खाली मेघालय का नाम है, वहीं पे होते होंगे. लीची एंड ग्वावा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार. एप्पल पियर, हिमाचल प्रदेश एंड एप्रिकॉट एंड वॉलनट, जम्मू कश्मीर. ओके, तो ठीक है, ये भी ज्यादा कुछ काम का है नहीं. ओके, ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए. नॉन फूड क्रॉप्स, जो खाते नहीं हम लोग, इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं कुछ बनाने के लिए, ऐसे क्रॉप की अभी बात है. तो रबर, तो आप में से कोई है सर जो रबर खाता है? कोई नहीं. उसे टायर बनते हैं और रबर की दूसरी चीजें बनती हैं. रबर इज मेनली एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज अंडर स्पेशल कंडीशंस. याद रखने की जरूरत नहीं है. इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल ऑफ 200 सेंटीमीटर. मोर देन 200 सेंटीमीटर चाहिए, 25 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए. इट इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल. इट इज मेनली ग्रोन इन केरला. अच्छा, ये याद रखें, केरला में होता है, तमिलनाडु में होता है, कर्नाटका में होता है, अंडमान निकोबार में होता है रबर के ट्री, एज वेल एज इन गारो हिल्स ऑफ मेघालय. इन 2010-11 इंडिया रैंक फोर्थ अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर. दो चीजें याद रखें, एक तो कहाँ ये होता है, और हम फोर्थ नंबर पे थे 10-11 में वर्ल्ड लेवल पे नेचुरल रबर में. ओके, तो ये दो चीजें काम की है, बाकी ये सब याद रखने का टेंशन मत लीजिए, नहीं आता है, कुछ जरूरत नहीं है. रबर प्लांट में से जो, मतलब ट्री में से जो निकालते हैं रबर, वो बहुत ही बढ़िया तरीका है. आप लोग यूट्यूब पे देख लेना एक आध वीडियो उसका. फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द फोर मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया.
The first three are derived from the crops grown in the soil. The latter is obtained from cocoons of the silkworms fed on green leaves, especially mulberry. Rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as a fiber crop की बात है अभी, जिसमें से फाइबर रेसा जिसको बोलते हैं वो मिलते हैं, जिसमें से कपड़े भी बनते हैं और दूसरी चीजें भी बनती है, ऐसे क्रॉप्स। तो कॉटन, कॉटन के कपड़े बनते हैं उसके फाइबर में से, जूट, सन जिसको बोलते हैं, कोथरा वोथरा, हैम्प एंड नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क कीड़े कीड़े में से जो निकालते हैं वो, आर द फोर मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। द फर्स्ट थ्री आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। पहले तीन खेत में उगते हैं क्रॉप में से, और जो लास्ट है वो कोकोन्स यानी कीड़े होते हैं, सिल्क वॉर्म्स जिसको बोलते हैं, उसमें से प्रोडक्शन होता है सिल्क का। इसलिए सिल्क बहुत महंगा है, क्योंकि एक कीड़े में से कितना निकलेगा, ये याद रखे। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर बोलते हैं उसको। जो भी सिल्क वॉर्म को पालते हैं सिल्क निकालने के लिए, तो उसका जो फार्मिंग है उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। कॉटन, इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन। हम ओरिजिनल होम है, यानी कॉटन की शुरुआत वर्ल्ड में हमारे से हुई होगी ऐसा लगता है। बहुत कॉटन हम लोग लगाते हैं। इट इज वन ऑफ द मेजर रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कपड़े बनते हैं उसमें से, बहुत सारी चीजें दूसरी। इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड इन 2008। तो आपको यहाँ पर एक चीज क्लिक होगी कि ज्यादातर चीजों में हम चाइना के बाद हैं, सेकंड पे हैं। तो चाइना क्यों फर्स्ट पे है प्रोडक्शन में? क्योंकि उनके पास हमारे से डबल जमीन है, शायद डबल से भी ज्यादा होगी। खेत बहुत है उनके पास, एरिया बड़ा है, उनकी कंट्री डबल है हमारे से, इसलिए ज्यादा उगाएंगे ही, कहाँ जाएंगे। कॉटन ग्रोथ इज गुड इन द ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेकन प्लेटो। ड्राई इलाके में भी उग जाता है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल। टेम्परेचर हाई चाहिए, हमारे सौराष्ट्र में बहुत होता है। राइट सनशाइन, चलो ये काम का नहीं है। इट इज अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर। 6 से 8 महीने में तैयार हो जाता है। कहाँ ज्यादा प्रोडक्शन होता है? महाराष्ट्र में, गुजरात का नाम आया, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। चलिए इसमें याद क्या रखना है वो याद रखिए। ये फर्स्ट लाइन, ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन इंडिया, ओके। और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना, वो याद रखे। और ये स्टेट याद रखे, बाकी सब याद रखने जैसा कुछ है नहीं। जूट, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। इट इज नॉन एज द गोल्डन फाइबर, मोस्ट आईएमपी याद रखे इसको, 1 marks में आता ही है। व्हाट इज नॉन एज द गोल्डन फाइबर? जूट, ओके। इट ग्रोस ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। छोड़े ये काम का नहीं है, ये देखे। वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, ओडिशा, मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो ओके, ये स्टेट याद रखें कि यहाँ यहाँ पर होता है, और इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गोल्डन फाइबर बोलते हैं उसको। दिस फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट ड्यू टू इट्स रफनेस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन रफनेस के कारण, इट इज यूज टू मेक गुनी बैग्स, मैट्स, रॉप्स, यान, कार्पेट्स, अदर आर्टिफैक्ट्स। तो ये सब चीजें बनती है, गुनी बैग, ये सब हमने देखा ही है, हमारे घर पे भी होगा सबके। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, इट इज नाउ लूजिंग द मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स। तो क्या हुआ कि उसकी जगह अल्टरनेटिव सिंथेटिक फाइबर आ गए। तो गुनी बैग्स, जैसे कि पहले गेहूं आते थे तो इसके गुनी बैग्स में से आते थे, गुनी बैग्स में से ही बन के आती थी, और जूट से बनती थी। लेकिन अब आप देखते होंगे कि आपके घर में जो गेहूं आते हैं उसकी जो बैग होती है वो प्लास्टिक की होती है। तो रिप्लेस कर दिया है प्लास्टिक ने सिंथेटिक फाइबर ने जूट को, इसलिए उसकी डिमांड इंटरनेशनल लेवल पे डाउन हो गई, क्योंकि वो महंगा भी है, पैकिंग मटेरियल्स पर्टिकुलरली नहीं। चलो, तो यहाँ पर ये पोर्शन हमारा फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स खत्म होता है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर 4 में देखेंगे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, ओके। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।